स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज बेटा मैं आपको बताना चाहूँगी कौन सी क्लास को, सिक्स क्लास को जो है ये बताना चाहूँगी कि कल मैंने आपको क्या कराया था और जो है आज मैं आपको क्या करवाने वाली हूँ। तो कल मैंने आपको जैसे लेसन फाइव अक्षरों का महत्व की जो है जानकारी दी थी और ये भी बताया था कि जो है क्वेश्चन आंसर कैसे बन सकते हैं, कैसे इनका आंसर आप दे सकते हैं, है? तो आज जो है मैं इसी लेसन से संबंधित कुछ अन्य जानकारी भी जो है आपको देना चाहूँगी। जैसे कुछ अन्य जगह पर संकेत होते हैं उनके बारे में, कुछ पहचान लिखी होती है उनके बारे में, तो हम सांकेतिक माध्यम से उनकी जानकारी प्राप्त करके आगे बढ़ते हैं। तो आज जो है हमारा टॉपिक क्या है, आज का जो 1 अगस्त कौन सी है बताइए आप, 1 अगस्त क्लास कौन सी है, 6th क्लास, और जो है सब्जेक्ट आपका हिंदी, और इसमें जो है हिंदी में आपकी 3 बुकें हैं। आज मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी कि कितनी बुकें हैं। कुछ बच्चों को जो है अभी यही नहीं पता कि कैसे काम है, कैसे हुआ, ऐसे ही किसी बच्चे जो है काम नहीं करे, तो मेरा बेटा आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना काम करोगे, पढ़ोगे, लिखोगे, जब भी तो आगे बढ़ोगे, नहीं तो आप 6th क्लास में रह जाओगे, हाँ? तो आपको काम करना है अपना, सभी सभी कार्य करना है, पूरा पढ़ना है, भले ही स्कूल बंद हो लेकिन आपके पास वीडियो जाती है, है ना? वीडियो को देख कर कार्य कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे कर भी रहे हैं, बहुत सारे नहीं भी कर रहे हैं। तो जो बच्चे आज तक नहीं काम करते, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो भी अपना कार्य करें। देखो मैंने आपको बालराम का 3 बुक हैं 6th क्लास में, बालराम कथा, वसंत और ग्राम, जो कि 5th में आपने एक ही बुक पढ़ी है, उसी में ग्रामर पढ़ते थे आप, है? तो अब ऐसा नहीं होगा ना, बड़े बच्चे हो गए, बड़ी क्लास में आए हैं, तो बुकें भी ज़्यादा हो जाएंगी, है ना? तो बालराम कथा में आपको मैंने पहले भी बताया था, जब मैं लेसन 1-2 आपको रीडिंग करा रही थी, बता रही थी कि जो है मैं आपके जो है रामायण चल रही थी उस टाइम, यानी कि अप्रैल में बहुत अच्छी रामायण चल रही थी, तो मैं आपको बार बार संदेश देती रही थी कि आप जो है रामायण को दिन प्रतिदिन देखिए, उसका जो है अध्ययन कीजिएगा, वो आपके सिलेबस में है, मैंने काफ़ी बार कहा था, यानी आपने देखी नहीं देखी, है? तो एक जो है आपकी बालराम कथा है, कौन सी बुक है, बालराम कथा है, और दूसरी वसंत, दूसरी कौन सी है, वसंत, और तीसरी ग्रामर, यानी कि व्याकरण, हिंदी में व्याकरण बोलते हैं उसको, है ना? तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि मैंने बालराम कथा में 6 लेसन यानी कि हाफ सेमेस्टर उसमें कंप्लीट हो गया है। कितना सेमेस्टर, हाफ सेमेस्टर जो है बेटा मैंने उसमें कंप्लीट कर दिया है, और आपने कितना किया है, 1 भी नहीं, है ना? बच्चों के जवाब है ना, 1 भी नहीं मैम, अभी हमें वीडियो ही नहीं गई है, हा? ये होते ना, क्योंकि बेटा आप देखना ही नहीं चाहते, आपके पेरेंट्स आपका ध्यान नहीं देते, आपकी गलती नहीं है, ये पेरेंट्स की गलती है। तो मेरी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है, वो समय निकाले, थोड़ा समय निकाले और बच्चों पर ध्यान दें।
आपको दिखाया ही गया है ना। ये देखो ना, पेज नंबर जो है 31 पर, पेज नंबर 31 पे जो है आपकी बुक में ये आपको बताया गया है, इसको सभी बच्चे अच्छी तरह देख रहे हैं। देखो ये यहाँ पर निम्न से आगे जो ये तीन क्वेश्चन है, चार, इसके बाद जो है ये हिंदी में क्या लिखा है, क्या शानदार दिन है, क्या शानदार दिन है, ये हिंदी में लिखा गया है ना। और नीचे क्या लिखा गया है, ये पंजाबी जो है अक्षरों में लिखा गया, पंजाबी अक्षरों में लिखा गया है। फिर उसी के नीचे उड़िया में, उड़िया जो भाषा होती है, उड़िया जो शब्द होते हैं, उसमें जो है ये लिखा गया है, ये शानदार दिन है, क्या ये शानदार दिन है। तो इनको आप अच्छी तरीके से देख सकते हो, अलग अलग भाषा में अलग अलग जो है अक्षरों में ये शब्द लिखे गए हैं, ये वाक्य लिखा गया है, क्या शानदार दिन है, कि कितना अच्छा दिन है। और तेलुगु में ये लिखा गया है आपको, ये मुझे नहीं आती तेलुगु कैसे लिखा जाता है, तो ये आप इसमें देख सकते हो अपनी बुक में। तो ये जैसे बेटा हिंदी, पंजाबी, उड़िया, तेलुगु आदि में जो है ये क्या शानदार दिन है ये लिखा गया है, इसको आप देख सकते हो किस तरीके से अक्षर बनाया गया है, कैसे अक्षर बनता है, कौन सी भाषा में कैसे अक्षर बनाया जाता है। फिर आपका उर्दू में इधर देखो, उर्दू में लिखा गया है। उर्दू के बाद आपका आता है इसमें बांग्ला, कौन सी आती है, बांग्ला। तो इसमें बांग्ला के बाद फिर आपकी लास्ट में भाषा आती है तमिल। तो इसमें जो है बेटा ये 7 भाषाओं के अक्षरों का माध्यम आपको बताया गया है, किस अक्षर से कैसे क्या लिखा जाता है। और हिंदी में सबसे पहले लिखा क्या शानदार दिन है, तो इसको जो है अलग अलग भाषा में ही लिखा गया है, लेकिन हम इसको नहीं समझ सकते ना, जो इसको समझ सकते हैं वो हिंदी को नहीं समझ सकते। जैसे बंगाली है वो बंगाली भाषा में पढ़ लेगा ये क्या लिखा है, जबकि हम नहीं पढ़ सकते, हम देख तो सकते हैं ना। तो इस प्रकार से जो है ये आपके अलग अलग भाषाओं के अलग अलग जो है वाक्य अक्षरों से बनाए गए हैं, जिसमें कौन कौन सी, हिंदी, पंजाबी, उड़िया, तेलुगु, उर्दू, बांग्ला और तमिल आदि भाषाओं को जो है इसमें लिया गया है। अब जो है इसमें आगे है आपकी बुक में अनुमान और कल्पना, यानी कि पुराने जमाने के इसमें क्या दिया गया अनुमान और कल्पना में, ये जो है पुराने जमाने के लोग यह क्यों सोचते थे, क्या सोचते थे, कि अक्षरों और भाषा की खोज ईश्वर ने की थी। अक्षर और भाषा की जो खोज है वो ईश्वर ने की थी, ये कौन सोचते हैं, पुराने जमाने के लोग, जबकि ऐसा नहीं है। ये अनुमान आप भी लगा सकते हो, ये अनुमान आप लगा कर भी लिख सकते हो कि जो है अक्षरों की खोज किसने की थी। तो अक्षरों की खोज जो है किसने की थी, आपको बताया था ना मैंने किसने की थी, अक्षरों की खोज जो है ये पुराने जमाने के लोगों का अंधविश्वास है बेटा, वे अंधविश्वास के शिकार हैं कि जो है अक्षरों की खोज ईश्वर ने की थी, वे हर बात को ईश्वर से छोड़ देते हैं, वे हर बात को ईश्वर से जोड़ देते हैं, वे किसी भी तर्क का या सिद्धांत को जो है नहीं मानते थे। जब समाज द्वारा अक्षर और भाषा की खोज हुई तो लोगों ने यह मान लिया कि ईश्वर ने ही अक्षर और भाषा को बनाया है। जब इनकी किसकी खोज हुई, समाज में
दर्शन और भाषा की खोज हुई तो उन लोगों ने ये मान लिया था कि ये ईश्वर ने ही अक्षरों की भाषा को बनाया है। आज विज्ञान का युग है। कैसा युग है? वैज्ञानिक युग है। आज का पढ़ा लिखा मनुष्य हर बात को जो है तर्क और जान के तराजू पर तोड़ कर देखता है, कैसे, क्यों, किसने, कैसे किया, तो हर तरीके से जो है वो तर्क भिन्न भिन्न मनुष्यों के तर्क लेकर और वो है उसके तराजू में जब अपने निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ये किसने क्या किया। लेकिन पुराने जमाने के लोग ऐसे नहीं थे। उनका यह मानना था कि हर चीज ईश्वर ने ही बनाई है। पुराने जमाने के जो लोग थे वो यही मानते थे कि हर चीज जो है ये मानव ने ही बनाई है, यानी कि मनुष्य ने ही बनाई है। तो सबका अपना अलग अलग महत्व है। फिर एक है आपका अक्षरों के महत्व के साथ ही मनुष्य के जीवन में गीत, नृत्य और खेलों का भी महत्व है। अगर अक्षर ना होते तो गीत कैसे बनते? और गीत बनते ना तो नृत्य नाचना कैसे होता, नृत्य कैसे करते लोग? अगर गीत ना होते तो गीत किससे लिखे गए? अक्षरों से ना। देखो कैसे अक्षर से आगे दर बदर बढ़ती गई चीजें हैं ना। अक्षर की खोज से फिर गीत लिखे जाने लगे, पत्र छपने लगे, पुस्तकें लिखी जाने लगी, फिर गीत हो गए तो फिर उसमें जो है नाचने लगे लोग और खेलों का भी महत्व बढ़ने लगा। अपने मित्रों के साथ जो है बातचीत कर उनके महत्व के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगे और शिक्षक को भी जो है पढ़ाने लगे। शिक्षक भी जो है पढ़ाने लगे। अक्सर हो गए तो फिर अलग अलग विषय को शिक्षक पढ़ाने लगे। अगर अक्षर ना होते तो अलग अलग शिक्षक की क्या जरूरत थी? एक ही शिक्षक बहुत था। तो अलग अलग अक्षरों के माध्यम से अलग अलग, जैसे मैथ है, गणित है आपका, वो हिसाब किताब लेखा जोखा जोड़ता है आपका, है ना। सामाजिक है, हिस्ट्री है, वो जो है देश दुनिया के बारे में जानकारी देती है। तो अलग अलग विषयों का बेटा अपना अपना महत्व होता है। तो इसमें आगे ये क्वेश्चन सबके दिमाग में उठता है, क्या उठता है, क्या होता अगर अक्षर न होते, क्या होता अगर अक्षर न होते, भाषा न होती। उठते हैं ना ये मन में सवाल, आपके भी मन में ये सवाल होंगे कि क्या होता अगर अक्षर न होते तो क्या होता। तो इसका मानना क्या है? यदि हमारे पास अक्षर न होते तो हम प्राचीन इतिहास को नहीं जान पाते और न ही संसार की सारी जानकारी जान पाते और ना ही हम पढ़ पाते, ना ही अक्षरों का हमें ज्ञान हो पाता। और अक्षर ज्ञान से ही हम अपने इतिहास को जानते हैं और अक्षर ज्ञान से ही हमारा ज्ञान अगली पीढ़ी तक पहुंचता है। अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हम आगे अपनी पीढ़ियों को भी तो पढ़ाएंगे नहीं, या वे अनपढ़ रहेंगे, या उनको कोई महत्व नहीं पता होगा अक्षरों का। तो समझ रहे, अक्षर ना होते हमारे पास, अक्षर न होते तो क्या होता। यदि हमारे पास अक्षर ना होते तो हम प्राचीन इतिहास को नहीं जान पाते, कब कौन सा शासक रहा, कौन सा किसका राज्य रहा है, कौन राजा बना था, कौन से देश, कौन से सन में हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था, कौन से देश ने, कौन से सन में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री के रूप में आए थे, हैं। तो ये भिन्न भिन्न किसके माध्यम से, यानी कि प्राचीन इतिहास लिखा हुआ है तभी तो हम जान सकते हैं इसमें। यदि हमारे पास अक्षर न होते तो हमारा जीवन अंधकार में होता, बिल्कुल जैसे अंधे हैं हम, हमें कुछ भी पता नहीं।
अंधविश्वासी बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? हम जो है अंधविश्वासी बन जाते हैं। फिर एक क्वेश्चन उठता है, अगर भाषा नहीं होती तो क्या होता? फिर एक क्वेश्चन ये भी तो उठता है कि अगर बेटा भाषा ना होती तो क्या होता? यदि भाषा नहीं होती तो हम आपस में अपने विचार विनिमय नहीं कर पाते। विनिमय अदला बदली, विनिमय का मतलब जानते हो आप? अदला बदली यानी कि अपने विचार दूसरों के समक्ष रखना और उनके विचार जो है अपने समक्ष रखना, अपने सामने रखना। तो ये विनिमय कहा, यानी कि अदला बदली, विचारों की अदला बदली नहीं कर पाते अगर भाषा नहीं होती। अक्षरों से ही तो भाषा बनी है हमारी। भाषा के बिना हम सभी गूंगे बने रहते, यानी कि पशु के समान मूक प्राणी। जब हमें कुछ बोलना ही नहीं आता तो हम क्या हो जाते? गूंगे, जैसे मंकी खिक 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 करते हैं ना, मंकी की तरह रहते हैं हम, गूंगे पशु की तरह रहते हैं ना। हमारा जीवन निरस होता, अर्थहीन बन जाता। भाषा के बिना न तो हम किसी से बात कर पाते और न ही अपनी भावनाएं दूसरों के सामने व्यक्त कर पाते। हम क्या कहना चाहते हैं दूसरों को और क्या नहीं कहना चाहते? तो दूसरों की भावनाओं को जान पाते हैं हम किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से। किसके माध्यम से बेटा? भाषा के माध्यम से जानते हैं दूसरों के जीवन को, दूसरों की बातों को, दूसरों की भावनाओं को, भाषा से ना। और अगर भाषा के बिना न तो हम अपने पूर्वजों के ज्ञान को प्राप्त कर पाते और न ही अपने ज्ञान को अगली पीढ़ी तक पहुँच पाते, यानी कि पहुँचा पाते हम अगली पीढ़ी तक कि हमें क्या आता है क्या नहीं आता। हाँ, हम उनको पढ़ा नहीं सकते थे। भाषा के बिना हमारा जीवन पशुओं के जैसा हो जाता, जैसे मुख प्राणी यानी कि गूंगा पशु जो कुछ भी नहीं जानता है। तो इस तरीके से जो है ये इतने क्वेश्चन मन में उठते हैं, उठते हैं ना। तो जैसे बेटा इसमें आगे है आपकी बुक में क्या है, भाषा की बात है ना, तो मैं आपकी भाषा की बात में जो है कुछ ग्रामर दर्शाई गई, कुछ जो है ग्रामर दर्शाई गई है। अनादिकाल में जो है लेखांकित शब्द का अर्थ है, अनादिकाल में यानी कि प्रागैतिहासिक काल में बहुत
ठीक है, और इसका अर्थ क्या हो गया, यानी कि कामयाब। अर्थ क्या है इसका, यानी कि कामयाब, कामयाब। तो इसमें जो है, इसमें बताया गया अनादि काल में रेखांकित शब्द का अर्थ है जिसकी कोई शुरुआत या आदि नहीं हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, यानी कि अक्षरों के बिना थोड़ी ना संभव हो सकता था। अक्षर थे तो
कर दिया है।